जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे देश के उन लोगों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है जो वाकई में उसके हकदार हैं, जिन्होंने देश के लिए वाकई कुछ न कुछ काम किया है। वरना इसके पहले तो सिर्फ चापलूसों और देशद्रोही लोगों को ही, बहुत से ऐसे लोग हैं, सभी लोगों को नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे ऐसे चापलूस और देशद्रोही किस्म के पत्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया है, जो कि उनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें लेकर आए दिन कोई ना कोई चीजें हमारे सामने आते ही रहती है। कल एक बड़ा ही मजेदार वाकया देखने को मिला और जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाकई में कोई इंसान इतना जी सकता है इतने साल की उम्र तक, वो भी योगा के जरिए। वाराणसी के रहने वाले हैं बाबा शिवानंद। इनकी उम्र 126 साल की है और ये आपसे भी ज्यादा फुर्तीले हैं, आपसे भी ज्यादा सेहतमंद है, क्योंकि ये योगा करते हैं और वो खाना खाते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए अच्छा होता है। वरना हमें तो जीभ का चटकारा चाहिए, और जो जिस खाने में आपको स्वाद मिलने लगे समझ लीजिए वो खाना आपके लिए नुकसानदायक ही होता है। तो राष्ट्रपति भवन में जब बाबा शिवानंद थे वो बैठे, जब उनका नाम बुलाया गया तो वो इतनी फुर्ती से उठे और फुर्ती से उठकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ गए और झुक कर 3 बार उन्हें नमस्कार किया, और उन्हें देखते हुए मोदी जी भी उन्हें झुक कर नमस्कार करने लगे। वहां पर बैठे जितने भी माननीय लोग थे सब के सब खड़े हो गए, और ये अपने आप में किसी गौरव से कम नहीं है। उसके बाद वो राष्ट्रपति कोविंद जी की तरफ मुड़े और उन्हें भी झुककर सलाम किया और उन्हें भी झुककर नमस्कार किया, और राष्ट्रपति जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और फिर पद्मश्री दिया। दुर्गा कुंड कबीर नगर में रहते हैं ये। इनकी उम्र 126 साल है। जहां पर ये रहते हैं वो 3 मंजिला इमारत है और 3 मंजिल से ये हर रोज ऊपर नीचे का चक्कर लगाते रहते हैं। 120 साल से भी ज्यादा समय हो गया इन्हें योगा करते हुए। शाकाहारी हैं, रोज योगा करते हैं, हर रोज सुबह 3 बजे उठ भी जाते हैं, 1 घंटे का योग अभ्यास करते हैं, इसके बाद पूजा पाठ करते हैं, फिर उबला हुआ खाना खाते हैं और जो कि जिसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल भी करते हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1896 में हुआ था। बंगाल के श्रीहट्टी में ये पैदा हुए थे, उसके बाद ये काशी चले आए। बीमारी से इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से लेकर अब तक ये आधा पेट ही भोजन करते हैं। इनके गुरु के कहने पर ये 34 साल तक विदेश यात्रा करते रहे, उसके बाद जब लौट कर आए तो उन्होंने योगा सिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे अद्भुत प्रतिभा वाले को अगर पद्मश्री मिले तो वाकई देश का गौरव भी बढ़ता है और आम इंसान जो इस देश का है उसकी छाती चौड़ी हो जाती है, ना कि उन बॉलीवुड के भांड टाइप लोगों को जब मिलता है तो जी एकदम से जल उठता है।